चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रिपेयर स्टडी में। मैं कमल विष्ट। इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे इंग्लिश प्रिपेरेशन के लिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे बिंदु बताऊंगा दोस्तों, जिसमें हमने यहाँ पे यहाँ क्वेश्चनों को लिया है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारे बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट्री यहाँ पे ग्रामर से लिए जाते हैं। यहाँ पे ये सभी कंपटीशन के लिए हमारे महत्वपूर्ण हैं। खास तौर पर आप यहाँ पर आर्मी के लिए या फिर SSC प्रिपेरेशन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारे यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं अलग अलग टॉपिकों से यहाँ पर, जिनमें से हमने एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर, ताकि आपके समझ में आ जाए और इस तरह के क्वेश्चन को आप अपने आगामी परीक्षाओं के लिए तैयार कर सकें। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, सम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैव एरर। यहाँ पर जो हमारा नीचे सेंटेंस दिया है, हमें जो वाक्य दिया है उसके कुछ पार्टों में क्या है, एरर है। एरर मतलब कमी है। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। तो वो कौन सा वाला पार्ट है, वो कौन सा वाला भाग है जिसमें एरर है, जिसमें कमी है, वो हमें यहाँ पर इनमें ढूंढना है। अब देखिए, हमारे यहाँ पर 4 पार्ट हैं एक यहाँ पे एक सेंटेंस के। हमारा पहला पार्ट ये है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है और ये चौथा पार्ट है। अब देखिए, जब कोई कमी नहीं होती है हमारे पूरे यहाँ पर सेंटेंस में, तो हमारा चौथा वाला पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नो एरर वाला, अर्थात कोई भी कमी नहीं है। और कुछ भी कमी होती है तो वो हम इनको देख लेंगे यहाँ पर। और देखिए, इनको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमारा ग्रामेटिकली में नॉलेज होना चाहिए और हमें वर्णों का मीनिंग यहाँ पर समझ में आना चाहिए। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारी जो एरर है वो कहाँ पर है। तो हमारा इसके लिए हमारा ग्रामर जानना बहुत ज़रूरी है, ग्रामर और हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं तो उनको हमें सीखना यहाँ पर ज़रूरी है। तो देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या सेंटेंस है और यहाँ पर कौन सा वाला पार्ट यहाँ पर एरर लेता है। आई टोल्ड हिम दैट आई एवल द अपॉर्चुनिटी नो एरर। अब देखिए, यहाँ पे आई टोल्ड हिम दैट आई एवल्ड द अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, ये हमारा एक एक्टिव से पासिव कर रखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे सेकंड वाले पार्ट में। तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे एरर है हमारी, तो हम बोल देंगे जो हमारा पार्ट यहाँ पर सेंटेंस का यहाँ पर पार्ट नंबर 2 है, बी वाला है, उसमें क्या है, एरर है। तो हमने ऑप्शन नंबर बी वाले में टिक कर दिया यहाँ पे, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ढूंढना है और वहाँ पे सही आंसर पर टिक करना है। अब देखिए, हम यहाँ पर नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट वाला भी हमारा वही वाला है कि एरर फाइंडिंग करने वाला। इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि ये समय है, हमें अच्छा करना चाहिए, तो उसके लिए बेहतर टाइम है, हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। बट देखिए, यहाँ पर आप यहाँ पर हमारा जो इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, तो यहाँ भी हमारा जो पार्ट नंबर 2 है वहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर रखा है, यहाँ पे कोई कंजक्शन यहाँ पे यूज़ नहीं कर रखा है। इट इज़ टाइम, यहाँ पे इट इज़ टाइम के बाद यहाँ पे सीधे लिख दिया वी शुड हैव डन। तो यहाँ पर हमारा वी शुड यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ किया गया है, यहाँ पर कोई कंजक्शन यहाँ पर नहीं लगाया गया यहाँ पर, तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ भी हमारा गलत दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में जो पार्ट है हमारे यहाँ पर सेकंड वाला है, वो हमारे यहाँ पर गलत दिख रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों में एरर ढूंढी, और एरर देखने के लिए हमने क्या देखा, यहाँ पर ग्रामर का यहाँ पर यूज़ किया। जब हमने ग्रामर यहाँ पर समझी तभी हमने यहाँ पर इनमें से एरर को फाइंड किया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि पहले आपको ग्रामर के वहाँ पर रूलों को समझना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप यहाँ पर एरर को फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, हम यहाँ पर नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये हमारा एरर फाइंडिंग वाला था, अब हम नेक्स्ट ऐप देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चनों का है, 3 से लेकर 4 तक दो क्वेश्चन हमारे जो हैं वो हमारे क्या हैं, सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक टू द फील इन विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें जो सेंटेंस दिए हैं वो हमारे ब्लैंक दिए हैं, ब्लैंक मतलब खाली हैं, और हमें क्या करना है, उनको फिल करना है, हमें फिल करना है और अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ, कोई मतलब अप्रोप्रिएट मतलब जो वहाँ पर आने वाला वर्ड है, यूजफुल वर्ड है, उसका प्रयोग करके हमें क्या करना है, जो रिक्त पद है वहाँ पर रिक्त पद को भरना है। अब देखिए, हमें इनमें क्या ध्यान देना पड़ता है, इनमें भी वही चीज़ ध्यान देनी पड़ती है। अब यहाँ पर हमारा जैसे यहाँ पर शो वेरी टू मोर
ये जो भी हमारे यहाँ पे प्रीपोजिशन होती हैं उनको हमें भरना पड़ता है यहाँ पे। अब देखिए, आई डू माई वर्क केयरफुली टू मेक मिस्टेक, मैं अपना कार्य जो है केयरफुली करता हूँ ताकि गलती ना हो। अब इसके लिए देखिए आपको क्या भरना है, यहाँ पे देखना आपको। अब ये देखिए जो हमारा सेंटेंस है ये जुड़ नहीं पा रहा है। अब इन वर्डों को नाउन के साथ जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर कोई, यहाँ पे कोई चीज़ हमें लगानी पड़ेगी, कोई प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। डू आई डू माई वर्क, यहाँ पे देखिए टू लगेगा, आई डू माई वर्क टू केयरफुली, टू मतलब वहाँ पे, यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, इम्फेसिस यहाँ पर जोर दिया जा रहा है कि टू मतलब आई डू माई वर्क टू, टू मतलब बहुत केयरफुली, बहुत ही सावधानी से करना चाहिए ताकि गलती ना हो। तो ये यहाँ पर आपका टू यहाँ पर यूज़ करेंगे आप प्रीपोजिशन का। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा नाउन से हमारा जो अदर वर्ड हैं वो जोड़ पा रहे हैं, तो ये हमारे प्रीपोजिशन का यूज़ यहाँ पर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारा कहाँ पर यूज होगा, कौन सा वाला यहाँ पर प्रीपोजिशन, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब देखिए नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, इसी का एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी हमारी वही चीज़ें हैं, यहाँ भी प्रीपोजिशन का यूज़ करना हमें। फॉर अ चाइल्ड, फॉर अ चाइल्ड एक बच्चे के लिए, अ ब्लो सेल्फ स्टीम इज अ टेरेबल थिंग। अब देखिए यहाँ पे अ ब्लो सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम मतलब होता है हमारा आत्मसम्मान यहाँ पे, या फिर आत्मविश्वास होता है, इज अ टेरेबल थिंग मतलब ब्लो यहाँ पे खोना होता है, या एक बच्चे के लिए एक आत्मसम्मान या आत्मविश्वास का खोना बहुत ही क्या है, टेरेबल मतलब भयानक या बुरी थिंग है, बुरी बात है। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे क्या भरना है वो हमें देखना पड़ेगा। अब ब्लो, ब्लो ऑफ यहाँ पर आएगा, देखिए अब ब्लो ऑफ सेल्फ स्टीम इज अ टेरेबल थिंग, ऑफ का मतलब हमारा का के लिए आता है, हमारे अदर भी आते हैं लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारे यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ हमारा किस तरीके से होता है, ये चीज़ आपको देखनी है। जो हमारे यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ होता है उनके लिए हमारे कुछ रूल होते हैं, उन रूलों को आपको पढ़ना है तभी आप इनका प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइप की एग्जांपल देखते हैं, ये हमने यहाँ पे देखे जो हमारे फिल इन ब्लैंक्स वाले होते हैं। अब देखिए फिल इन ब्लैंक्स वाले में कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे देखा दो क्वेश्चन हमारे प्रीपोजिशन से पूछे गए थे, तो हो सकता है वहाँ पर प्रीपोजिशन से पूछे गए हों या फिर हमारे हेल्पिंग वर्ब भरनी हो, तो कुछ भी आ सकता है वहाँ पर। अब देखिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 और 6 क्वेश्चन हमने तो यहाँ पे लिए हैं, जो हैं चूज द वन वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा वर्ड चूज करना है इन 4 वर्डों में से जो हमारा दिए गए वर्ड का यहाँ पे प्रॉपर मीनिंग बताए, मतलब बेस्ट एक्सप्रेस मतलब प्रॉपर जो मीनिंग है वही मीनिंग वहाँ पर बताए, या हम कह सकते हैं एक तरीके से जो हमारा सिनोनिम है, तो ये हमें बताना है यहाँ पे इस वर्ड का जो हमारा गिवन वर्ड है इसका बताना है हमें यहाँ पे। देखिए हमारा वर्ड क्या है, इनमें क्या करना पड़ता है, ये हमारे यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इनको आपको तैयार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हर रोज़ यहाँ पर आप 5 से लेकर 10 वर्ड यहाँ पर नए नए वर्डों को आप एक डायरी में लिख के उनके सभी टाइप के यहाँ पर मीनिंग देख सकते हैं, जो हमारे जैसे हमारे हिंदी में पर्यायवाची होते हैं वैसे हमारे यहाँ पर इंग्लिश में, अंग्रेजी में यहाँ पर सिनोनिम होते हैं, उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, वही मीनिंग होता है लेकिन अलग अलग वहाँ पर होते हैं वो। तो ये आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5-10 वर्ड हर रोज़ के आप डिक्शनरी से यहाँ पर ले सकते हैं या फिर आप कहीं से भी ले सकते हैं और उनको तैयार कर सकते हैं और उनके सभी मीनिंग को देख सकते हैं, और उनसे ही आपकी क्या होगी, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो हमारे सिनोनिम होते हैं या फिर एंटोनिम में आते हैं जो हमारे विलोम वाले होते हैं, तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा दिया है फोरबोडिंग, अब देखिए फोरबोडिंग का पहले आपको क्या होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि निम्न में से कौन सा वाला होगा। देखिए फोरबोडिंग का मतलब होता है पूर्वाभास, पूर्वाभास मतलब पहले से जो आभास हो गया हो, पूर्वाभास या फिर हम कहें जो भी हमारा होनी है उसके बारे में हमें पहले ही आगाह है या फिर संकेत है, तो ये हमारा फॉरवर्डिंग का मीनिंग होता है। अब देखिए इसके मीनिंग में हमें देखना है यहाँ पर नीचे कौन सा वाला होगा, पहला हमारा अलार्म दिख रहा है, देखिए अलार्म ही हमारा हो जाएगा, क्योंकि अलार्म ही, अलार्म क्या होता है हमारा, अलार्म भी हमारा क्या होता है एक तरीके से पूर्वाभास कराता है, पहले से हमें आभास कराता है कि यहाँ पर या फिर संकेत देता है कितने
समय में यहाँ पर इतना समय हो गया है, इसका हमें संकेत देता है। तो एक तरीके से ये हमारा अलार्म ही होता है, अलार्म या कहें हम फॉर बोर्डिंग। तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वाला हमारा, हमने फिर से लिया एक एग्जांपल यहाँ पे एस्क्वेंट। अब देखिए एस्क्वेंट का यहाँ पे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे इसका निकाल सकते हैं। एस्क्वेंट का मतलब होता है, देखिए हमें परिचय कराना, परिचय कराना, जो हम एक दूसरे से परिचय कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो वो यहाँ पर होता है। अब नीचे यहाँ पे देख रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है खुद ही इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोड्यूस मतलब परिचित कराना, वही एक ही बात होगी दोनों की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका बेस्ट यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा जो अदर वर्ड यहाँ पे है। तो ये भी हमारा क्या होता है, इंट्रोड्यूस मतलब परिचय कराना, और एस्क्वेंट मतलब भी क्या होता है, परिचय कराना होता है। तो इस तरीके से आपको देखना है इनका जो सिनोनियम वाले होते हैं, इन क्वेश्चनों को तैयार करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे वर्ड मीनिंग आनी चाहिए, और इनको तैयार करने के लिए आप यहाँ पे हर रोज़ के अपने सेंटेंस को तैयार कर सकते हैं, वर्डों को तैयार कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वाला एग्जांपल क्या है, किस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, ब्लो द सेंटेंस फोर वर्ड्स आर सजेस्टेड, वन ऑफ विच कैन रिप्लेस द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए मैं कह रहा कि हमें नीचे क्या दिया गया है, चार वर्ड दिए गए हैं, चार वर्ड हमें सजेस्ट किए गए हैं, और जिनमें से वन ऑफ विच कैन रिप्लेस द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड, जो हमारा प्रिंट बोल्ड में प्रिंटेड है, इस वर्ड को इनमें से चार वर्डों में से कोई एक वर्ड ऐसा होगा जो रिप्लेस कर रहा होगा विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, बिना यहाँ पर जो सेंटेंस हमारा है इस सेंटेंस की मीनिंग को चेंज किए बिना ही हमारा क्या होगा, रिप्लेस कर देगा इसको। अर्थात रिप्लेस करना मतलब स्थानांतरित करना या फिर आपस में परिवर्तित करना। तो हम इनको चेंज कर दें यदि, तो भी हमारे जो सेंटेंस का मीनिंग होगा वही रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यूज लेस है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं यूजलेस का मीनिंग यहाँ से ढूंढ सकते हैं, यदि आपका समझ में नहीं आए तो आप पूरा सेंटेंस यहाँ पर पढ़ के भी यहाँ पर देख सकते हैं, इससे आपको और भी सुविधा मिलेगी वहाँ पर जानने के लिए। इट वॉज अ यूजलेस अटेम्प्ट ऑन हर पार्ट ऑफ पार्ट टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन, इट वॉज अ यूजलेस अटेम्प्ट ऑन हर पार्ट टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन। ये बोलता है कि एग्जामिनेशन में जो हमारा वो वाला पार्ट था वो अटेम्प्ट करना क्या था, यूजलेस था, अर्थात यूजलेस मतलब व्यर्थ था, व्यर्थ कहें हम या वहाँ पे को अनइम्पोर्टेंट कहें, कोई ज़रूरी नहीं होता जो वो हमारा यूजलेस होता है, बेकार हम कह सकते हैं वहाँ पे। देखिए इसके लिए हमारा जो बेस्ट मीनिंग होता है वो हमारा फ्यूटाइल होता है, इसका भी मतलब वही होता है, व्यर्थ होता है, ये भी हमारा व्यर्थ है और यूजलेस भी हमारा व्यर्थ ही है। तो यह हमारा यहाँ पे इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो यही हमारा क्या करेगा, यूजलेस को रिप्लेस करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा, जो बेस्ट यहाँ पे मीनिंग देता है इसका, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए वैसे हमारा नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है इसी का, फिल इन ब्लैंक्स वाला, यहाँ रिप्लेस करने वाला, ही वॉज, यहाँ वो वॉज होगा, ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट हिज प्लान वुड वर्क वेल, उसे विश्वास था कि उसका प्लान क्या करेगा, अच्छा काम करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे कॉन्फिडेंट को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे कॉन्फिडेंट का क्या मतलब होता है, विश्वास, विश्वास होता है कॉन्फिडेंट का मतलब। अब इसी का हमें वेस्ट यहाँ पे मीनिंग देखना पड़ेगा, डाउटफुल तो यहाँ पे अपोजिट हो गया, केयरफुल यहाँ पे होशियारी हो गई, श्योर मतलब पक्का, पक्का या विश्वास कहें एक ही बात है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा कॉन्फिडेंट मतलब भी वही हो गया, और ये भी हमारा विश्वास या फिर हम कहें पक्का, पक्का विश्वास या फिर पक्का, तो ये हमारे यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों का एक ही मीनिंग है, तो कॉन्फिडेंट मतलब श्योर, ही वॉज श्योर दैट हिज प्लान वुड वर्क वेल, तो एक ही बात है दोनों को, आप कोई भी लिखें यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर हमने चार पांच टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन देखे, और उनके अलग अलग यहाँ पर एग्जाम्पल अंदर लेके हमने यहाँ पर समझा उनको डिटेल में। तो आप इस तरह के एग्जाम्पलों को आप अधिक से अधिक यहाँ पर लेंगे, ताकि आपके जो परीक्षाओं के लिए रिहर्सल है वो अच्छी हो सके, और इस तरह के क्वेश्चनों को आपको इस तरह करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मीनिंग, वर्ड मीनिंग पर ध्यान देना है, अपने नए नए वर्डों को ढूंढना है,
और जितने आपके पास वर्डों का ज्ञान होगा उतनी ही आपकी जो है यहाँ पे इंग्लिश में पकड़ उतनी ज़्यादा होगी। और ग्रामेटिकली आपको जैसे करेक्शन करना होता है, हमारा एरर फाइंडिंग करनी होती है, या फिर हमें सेंटेंस को वहाँ पे सीक्वेंस में लगाना होता है, तो उन सभी चीज़ों के लिए क्या चाहिए होता है, वहाँ के लिए हमारा ग्रामर चाहिए होती है। तो सभी चीज़ें हमारी ज़रूरी हैं एग्ज़ाम में हमारे जो है लाने के लिए, नंबर लाने के लिए। तो इन चीज़ों को आप देखेंगे, ये हमारे बेसिक पॉइंट्स थे। अब देखिए, हम यहाँ पर कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में यहाँ पर कुछ अदर क्वेश्चंस या अदर यहाँ पर टॉपिक बताएंगे दोस्तों। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, थैंक्स।